तो एक आइडिया आया है कि क्यों ना अम्बी को नीचे गिराने का कंपटीशन किया जाए। कुत्ते चुप हो जा। तो दोस्तों जैसे ही हम बर्ड पार्क में एंटर करते हैं आपके राइट से बटरफ्लाई पार्क है ना। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित फ्रॉम मूवमेंट इन रील और आज मैं आया हूँ बटरफ्लाई पार्क जो है सेक्टर 26 चंडीगढ़ में। और आज की वीडियो में मेरे साथ है चंडीगढ़ वाला। अच्छा, ये है इस पार्क की मेन एंट्रेंस। ये जो पार्क है ये CCET कॉलेज के बिल्कुल सामने है और यहाँ पर कोई भी एंट्री टिकट नहीं है, लेकिन आपको इस रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। पार्क की टाइमिंग 9 AM टू 5 PM तक है। तो दोस्तों जैसे ही हम बटरफ्लाई पार्क में अंदर एंटर करते हैं तो थोड़ी ही दूर जाने पर हमारे राइट साइड पे हमें दिखता है एक शेड। इस शेड के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, डिफरेंट टाइप ऑफ बटरफ्लाईज के बारे में बताया गया है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है। तो अगर इस पार्क की बात की जाए तो ये 7 एकड़ में फैला हुआ पार्क है और नेचर लवर्स के लिए ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है क्योंकि आपको यहाँ पर नेचर ट्रेल भी मिल जाएगी। ट्रेल के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर पॉन्ड भी मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पर दोस्तों एक एक्वेटिक फ्लावर्स का भी सेक्शन है। फिलहाल यहाँ पर अभी कोई फ्लावर्स नहीं है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर सीटिंग का भी अरेंजमेंट किया गया है जहाँ पर आप बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इस पूरे पार्क में कई जगहों पर बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पर आपको बटरफ्लाईज के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो नेचर ट्रेल है वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन अगर आप क्विक वॉक चाहते हैं तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं एक शांत सी प्लेस यहाँ बैठ कर ग्रीनरी को एंजॉय कर सकें तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। बताएंगे हमें आप कब से हो यहाँ पे? हमें हो गए 4 वर्ष हो गए। 4 साल। और जो बटरफ्लाईज हैं वो आज नहीं दिख रही, वो कल धूप दिख रही फिर। मतलब आपको कहने का मतलब जब धूप होगी तभी वो दिखेंगी। और रोजाना यहाँ पर कितने बंदे आ जाते हैं जो लोकल्स हैं घूमने वाले? आ जाते हैं 100-150। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ के गार्ड ने बताई है। तो दोस्तों अभी हमें गार्ड ने बताया कि हम यहाँ पर जो भी लगे हुए आम हैं उनको तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर कोई पका हुआ आम आपको नीचे गिरा हुआ मिल जाए तो आप उसको उठाकर वॉश करके खा सकते हैं, उस पर आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। तो दोस्तों मुझे मिला है अभी अभी एक बिल्कुल ही फ्रेश मैंगो, तो अब इसे खाया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने नहीं किया अभी तक। और आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरी मैंगो फेस्टिवल वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरूर जाकर देखिए, और उससे पहले आप मेरे खास दोस्त को जरूर देखिए। आम का मज़ा ले रहा हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है। और अगर अपने भाई की मैंगो फेस्टिवल वाली वीडियो देखी तो उसे भी देखो। और अगर अपने भाई की मैंगो फेस्टिवल वाली वीडियो देखी तो उसे भी देखो। हम लेते हैं आम का मज़ा और आप लोग वीडियो का मज़ा। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।